अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन कम टू कोड। मेरा नाम शकील अहमद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जो है आप वीडियो चैनल पे अपलोड करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने चैनल बनाना सीखा था और आज की वीडियो में हम वीडियोस को अपलोड करना सीखेंगे, उनके कीवर्ड्स किस को सेट करना सीखेंगे, उनके डिस्क्रिप्शन को और कंप्लीट एक प्रोसेस जो होता है वीडियो अपलोड करने का, आज की इस वीडियो में हम वो देखने जा रहे हैं। तो आइए, एक वीडियो मैंने बना के डेस्कटॉप पे अपने रखा हुआ है, तो हम सबसे पहले वीडियो अपलोड करते हैं। अब वीडियो अपलोड करने के लिए आप इस आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं, अपलोड वीडियोस एरो का जो आइकन है, इसके साथ साथ क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड वीडियो है इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तीनों का एक ही काम है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अपलोड वीडियोस का बटन आता है। अपलोड वीडियोस के बटन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगी, आपने सेलेक्ट फाइल करनी है, वो फाइल कहाँ पे पड़ी है। लेट्स से ये डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी है एबीसी के नाम से, मैं इसको ओपन कर देता हूँ और अपलोड करता हूँ। अब ये वीडियो अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद ये फर्स्ट विंडो डिटेल की विंडो है। डिटेल की विंडो में आपने करना क्या है, डिटेल की विंडो में सबसे पहले टाइटल डिफाइन करना है। लेट्स से ये एक ट्यूटोरियल है एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आपने उसका नाम लिखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल वन, ट्यूटोरियल पार्ट वन, और उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। अब दिस लेक्चर इज अबाउट प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, और मजीद कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई मजीद और डिस्क्रिप्शन देनी है तो भी प्रोवाइड किया जा सकता है, लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई यहां से जाके आप इस कोड को डाउनलोड कर लें, इस तरह की जो भी चीजें, तो डिस्क्रिप्शन में वो चीजें आती हैं। साथ साथ ये आप देख रहे होंगे प्रोसेसिंग वीडियोज, प्रोसेसिंग कर रहा है YouTube बैकएंड पे कि ये वीडियो किसी की आपने कॉपी तो नहीं की हुई है, किसी दूसरे चैनल से उठा के तो नहीं डाला हुआ। साथ साथ यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आता है। थंबनेल में क्या होता है कि जैसी वीडियो प्रोसेस हो जाएगी तो उसी वीडियो से कुछ स्क्रीन्स निकाल कर यूट्यूब यहाँ पे आपको दिखा रहा हो कि उनमें से ही कोई स्क्रीन जो है आप यहाँ पे सेट कर दें, या फिर कोई कस्टम थंबनेल अगर है तो आप उस चीज को यहाँ से अपलोड कर लें। अच्छा, अभी क्या है कि फर्स्ट वेरीफाई योर फोन नंबर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि थंबनेल जैसे ही मैं अपलोड करने जा रहा हूँ इसने वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया। उससे पहले यहाँ पे अगर कोई प्लेलिस्ट बनाई है तो प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं कि क्या ये आप किड्स के लिए बना रहे हैं, नहीं किड्स के लिए नहीं है तो ठीक है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अच्छा, एज रिस्ट्रिक्शन है, शो मोर है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने जो है कोई प्रमोशन चलाना है, नहीं चलाना, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। और नीचे आते हैं टैग्स। टैग्स बड़े काम के हैं। अब ये जो है जो वीडियो हमने अपलोड की है बेसिकली ये क्या है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो आप कीवर्ड सेट करेंगे। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, तो ये कीवर्ड्स हैं जिनके बिहाफ पे लोग वीडियो सर्च करते हैं, तो ये आपकी वीडियोज भी उनकी सर्चिंग में आ जाती है। अच्छा, कीवर्ड को सर्च करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप जाते हैं यूट्यूब को ओपन करते हैं तो आपने क्या करना है, यूट्यूब ओपन करने के बाद सर्च में जाके लिखना है प्रोग्रामिंग, तो टॉप के जो कीवर्ड्स हैं ये खुद सजेस्ट कर रहा होता है। जैसे ही मैंने प्रोग्रामिंग लिखा तो आगे खुद आ गया कि प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कीवर्ड खुद सजेस्ट कर रहा होता है। आप इस कीवर्ड को उठा के भी अपने इस कीवर्ड को कॉपी करके अपने वीडियोस के टैग्स में यूज कर सकते हैं, जिससे आपके चैनल पे ज्यादा व्यूज आने के चांसेस हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आपने क्या परफॉर्म करना है कि वीडियो की कोई लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, यूएसए लैंग्वेज है, उर्दू है, ठीक है, या इंग्लिश यूके है वो सेलेक्ट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग डेट, ये सब में कुछ भी नहीं आपको करना है, नीचे चले जाना है, यहाँ से आपने यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो रीयूज हो तो आप क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक कर सकते हैं, लोग इसको फिर रीयूज कर सकते हैं, रीयूज आप अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, और नीचे चले जाएं, कैटेगरी डिफाइन करनी है कि आपने जो है किस कैटेगरी से रिलेटेड, कॉमेडी है तो कॉमेडी की वीडियो सेलेक्ट करनी है, एजुकेशन है तो उस पर करना है, ठीक है, अगर गेमिंग से रिलेटेड तो गेमिंग सेलेक्ट कर लेना है, न्यूज से रिलेटेड है तो न्यूज सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, आप इस्लामिक अगर कैटेगरी का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इस्लामिक कैटेगरी नजर नहीं आ रही, लेकिन आप उसको एजुकेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन की कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। साथ साथ हमने जो अभी ट्यूटोरियल का चैनल बनाया तो हम यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक के ऊपर है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करने जा रहे हैं।
अच्छा ये एक और ऑप्शन है कि अलाउ ऑल कमेंट्स, और सेकंड ऑप्शन है होल्ड पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू। तो जब यूट्यूब को लगता है कि किसी बंदे ने या किसी पर्सन ने कमेंट सही नहीं किया तो उसको ये होल्ड रखता है और आपके पास अप्रूव ऑप्शन होता है। तो ये ऑप्शन बेस्ट है सबसे, ऑल कमेंट्स को अलाउ कर देंगे अगर तो सारे के सारे कमेंट्स लोगों को दिख रहे होंगे। अच्छा इसके अलावा जो है आप यहाँ पे जब सॉर्टेड बाई टॉप करते हैं तो इसमें ये होता है कि आपकी चैनल की जो वीडियोस आती हैं इसी के हिसाब से सॉर्ट हो रहा होता है। आपने इसकी बात कर देना है नेक्स्ट, यहाँ पे आप नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं ऐड कार्ड। कार्ड बेसिकली अभी आपकी वीडियो पे हमने जो लास्ट टाइम चैनल क्रिएट किया और पहली वीडियो डाल रहे हैं तो ऊपर ये दोनों वीडियोज जो है ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है फिलहाल। इसमें अपनी दूसरी वीडियो को लिंक करने के ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा कार्ड्स में क्या है कि किसी की प्रमोशन के कोई कार्ड्स होते हैं तो आप जो है अपने वीडियो के दौरान उन कार्ड्स को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है, ये इसके लिए है। अच्छा नेक्स्ट आपने यहाँ पे कर देना है, नेक्स्ट पे चेक का ऑप्शन आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है कि पहला ऑप्शन तो है कि कॉपीराइट नो इशू फाउंड, यहाँ पे यूट्यूब ने चेक कर लिया कि कोई इशू फाउंड नहीं हुआ है और ये जो कंटेंट है ओरिजिनल है। अगर कोई मसला आता है तो यूट्यूब यहाँ पे आपको चेकलिस्ट दे देता या यहीं पे क्लेम कर देता कि ये वीडियो ऑलरेडी यूज है तो आप इसको जो है अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पे जो है विजिबिलिटी का ऑप्शन है कि ये अनलिस्टेड है। ऑब्वियसली हमने जो लास्ट चैनल क्रिएट किया था उसमें हमने ये रखा था सेटिंग कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो बाई डिफॉल्ट वो अनलिस्टेड हो, तो ये अनलिस्टेड ही आ रही है। अब हमें पब्लिक करना है तो हम यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करेंगे और उसको पब्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि भाई अभी ना हो किसी खास टाइम पे हो तो हम स्केड्यूल भी कर सकते हैं। फिलहाल आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे पब्लिक कर देना है और यहाँ पे पब्लिश कर देना है। पब्लिक करने के बाद पब्लिश, तो जैसे ही आप पब्लिश कर देते हैं तो ये वीडियो जो है लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती है और उसके बाद ये एक पॉपअप आता है। इसका मकसद ये होता है कि आप इस लिंक को कॉपी करें और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं ताकि जब वो इस लिंक को पेस्ट करेंगे अपने ब्राउजर पे तो कुछ इस तरह से आपकी वीडियो नजर आ रही होगी। ये देखें ये वीडियो भी हमने अपलोड की है, डेट देख रहे हैं अभी अभी की वीडियो है, नो व्यूज और ये हमारे पास इस तरह से नजर आ रही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने वीडियो को अपलोड करना सीखा, टैग्स लगाना सीखा, टाइटल डिस्क्रिप्शन देना सीखा और साथ साथ जो है उसको कंप्लीट अपलोडिंग प्रोसीजर देखने के बाद ये हमारे समझ आ गया होगा कि किस तरह एक वीडियो अपलोड होते हैं, उसके सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल परवुल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे।